वेलकम टू अनप्लग्ड एग्जाम। आज हम इस वीडियो में सितंबर महीने के करंट अफेयर्स के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। आपको हर क्वेश्चन का जवाब 3 सेकंड में देना होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बियांका एंड्रेस्कू किस देश की खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में सेरेना विलियम्स को हराकर यूएस ओपन 2019 का खिताब जीता है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को बर्ड फ्लू से मुक्त देश घोषित किया गया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। ये देश है भारत। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषणों पर आधारित पुस्तक का क्या नाम है जिसका दूसरा संस्करण हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, लोकतंत्र के स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन के स्टार टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने कितनी बार यूएस ओपन का खिताब जीता है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, 4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मास्को में भारतीय दूतावास में किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। ये प्रतिमा है महात्मा गांधी की। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स के अनुसार 2019 में सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में चौथे स्थान पर निम्न में से कौन से अभिनेता हैं। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, अक्षय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के तुरुर पान के पत्ते को भौगोलिक संकेतक GI टैग का दर्जा प्राप्त हुआ है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, केरल राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला खिलाड़ी को फीफा बेस्ट प्लेयर 2019 का खिताब दिया गया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, मेगन रेपिनो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किस केस से संचालित रॉकेट इंजन विकसित करने की योजना बना रहा है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमी अवार्ड्स 2019 में किसे आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का पुरस्कार हासिल हुआ है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। ये सीरीज है गेम ऑफ थ्रोन्स। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ओर से 92 पुरस्कार के लिए किस फिल्म को नॉमिनेट किया गया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। ये फिल्म है गली बॉय। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक को हाल ही में ब्रिटेन में 21वीं सदी के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, सोनू निगम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, अमित पंगाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी क्लास क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाने वाली वाला एशियाई की विकेट कीपर बल्लेबाज बन गया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, कामरान अकमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच होने वाले पहले ट्राई सर्विस सेन अभ्यास का क्या नाम है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, टाइगर ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूस्टन के हॉडी मोडी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसे भारत आने का निमंत्रण दिया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, डोनाल्ड ट्रंप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 140 साल के इतिहास में पहली बार भारत की वर्ष 2021 की जनगणना किसके माध्यम से की जाएगी। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, मोबाइल ऐप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में लियोनेल मेसी ने फीफा बेस्ट प्लेयर 2019 अवार्ड जीता है, ये अवार्ड उन्होंने कितनी बार जीता है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, छठी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात बच्चों को अनुवांशिक रोगों से बचाने के लिए परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने किस पहल का शुभारंभ किया। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। यह पहल है उम्मीद। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंक रोधी अभियान के तहत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अगले महीने होने वाली अपनी बैठक में किस देश को ब्लैकलिस्ट करने जा रही है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, पाकिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने हाल ही में किस देश के हॉकी टीम को हराकर ओलंपिक टेस्ट प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में कैबिनेट सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, राजीव गोबाव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किस देश को F-16 युद्धक विमान बेचे जाने की मंजूरी दे दी है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। ये देश है ताइवान। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे रक्षा सचिव नियुक्त किया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, अजय कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया अपने यात्रियों के लिए किस सेवा नामक एक योजना शुरू कर रही है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, नमस्कार सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता एवं कथक डांसर का मुंबई में निधन हो गया। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, वीरू किशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28वें इंडो थाइकोपेट अभ्यास का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, बैंकॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO द्वारा हाल ही में किस राज्य में पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से स्वच्छता ही सेवा 2019 नामक पहल का शुभारंभ किया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ।
टाइम अप। इसका आंसर है डी, मथुरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को गृह मंत्रालय द्वारा पद्म विभूषण के लिए नामांकित किया गया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, मेरी कॉम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में नई विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, झारखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 79वां सदस्य बना है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, सेंट विंसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगीत निर्देशक को महाराष्ट्र सरकार के लता मंगेशकर अवार्ड के लिए चुना गया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, उषा खन्ना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में यूरेशियन आर्थिक फोरम का आयोजन किया गया? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, सियान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक गैर सरकारी उपक्रम द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस शहर में सबसे अधिक स्टार्टअप्स मौजूद हैं? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा ऑड इवन स्कीम को 4 से 15 नवंबर की अवधि में लागू किए जाने की घोषणा की गई है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सूखे की समस्या से निपटने के लिए ड्रॉट टूलबॉक्स की घोषणा की गई? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, UNNCD COP14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने हाल ही में किस राज्य में लक्कमपल्ली नामक स्थान पर मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, तेलंगाना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और असम में पहले एकीकृत युद्ध समूह के साथ किस प्रमुख अभ्यास का आयोजन करने जा रही है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, हिम विजय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने हेतु पहली कृषि निर्यात नीति की घोषणा की है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अंतरिक्ष में पहली बार भेजे गए अपने ह्यूमनॉइड रोबोट फेडर की सेवा समाप्त कर दी है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्टेडियम में विराट कोहली पवेलियन स्टैंड बनाया गया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, अरुण जेटली स्टेडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सीएम और मंत्रियों को अपनी सहेली से इनकम टैक्स भरने का निर्णय लिया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय व्यक्ति हाल ही में यमन में यूएन मिशन के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? टाइम स्टार्ट होता है नाउ।
टाइम अप, इसका आंसर है सी, अभिजीत गुहा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2019 का आयोजन हुआ? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है बी, थाईलैंड के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के प्रमुख सचिव बने हैं? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है सी, पीके मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने हाल ही में किसानों को सशक्त बनाने तथा उनकी आय को दोगुना करने हेतु एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है जो है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है बी, राष्ट्र पशु रोग निवारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हौरी मोदी रैली कहाँ आयोजित हुई? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है बी, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस 2019 की थीम क्या है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है ए, 32 इयर्स एंड हीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी ने हाल ही में ब्रिज नाम से एक ग्लोबल इंटर्नशिप प्रोग्राम की शुरुआत की है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है ए, एमजी मोटर इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओप्पो कंपनी ने भारतीय क्रिकेट टीम के टाइटल स्पॉन्सर का अधिकार किस कंपनी को बेच दिया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, ये बेचा है बायजू को, इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने चीन के फेई जियांग सुन को हराकर वियतनाम ओपन खिताब जीता? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है डी, सौरभ वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 5 रन से हराकर लगातार कौन सी बार एशिया कप जीत लिया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है ए, दूसरी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्र रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने किस शहर में समुद्री संचार सेवा का शुभारंभ किया? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है ए, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश पहली बार ऑनलाइन पर्यटक वीजा देने जा रहा है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, ये देश है सऊदी अरब, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चोरी हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है सी, महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने 150 अप प्रारूप में लगातार चौथे IBSA वर्ल्ड विलियर्स खिताब के साथ अपने करियर का 22वां वर्ल्ड खिताब जीता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, ये जीता है पंकज अडवाणी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने गुरु नानक देव की रचनाओं को अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में प्रकाशित किया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है बी, यूनेस्को ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कितनी अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है डी, 17 अति पिछड़ी जातियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की शाही नौसेना ने द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास समुद्र लक्ष्मण में भाग लिया था? टाइम स्टार्ट होता है नाउ।
टाइम अप, इसका आंसर है ए मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन में फिल्म द लास्ट कलर के लिए किसे बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, ये मिला है नीना गुप्ता को, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जिसकी रेंज है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है बी 70 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने 17 सितंबर 2019 को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है बी दिनेश मोगिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को राज्य के गृह विभाग ने सार्वजनिक सुरक्षा नियम के तहत हिरासत में लिया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है सी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला सैन्य राजनायक बनी है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है डी विंग कमांडर अंजलि सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकारी विभाग ने एक पोषण जागरूकता मुहिम शुरू की है जिसके तहत गुजरात के आणंद जिले में करीब 5,000 स्कूल बच्चों को इस सप्ताह निशुल्क दूध मुहैया कराया जाएगा? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है बी राष्ट्र डेयरी विकास बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले देश के पहले रक्षा मंत्री बन गए हैं? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, ये हैं राजनाथ सिंह, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो और डीआरडीओ ने किस मिशन हेतु सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है ए गगनयान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की ओर से जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है बी न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में हाल ही में जिस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, ये बैन लगाया है ई सिगरेट पर, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सी कंपनी 5.5 एमबीपीएस के साथ अपलोड स्पीड के मामले में पहले स्थान पर रही है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है सी वोडाफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां एशियाई मंत्रिस्तर ऊर्जा गोलमेज बैठक कहाँ आयोजित हुआ? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है सी अबू धाबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है सी राजन बी अकलेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए चीफ बने हैं? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है सी आर के एस भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2028 से सम्मानित किया गया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है डी सोनी गांगुली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को हाल ही में अमेरिका में शिक्षा से संबंधित द एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2019 मिला है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, ये मिला है आनंद कुमार को, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईफा अवार्ड्स
2019 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। ये मिला है राजीव फिल्म को। इसका आंसर है टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा हवाई अड्डा दुनिया का 12वां व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, डॉक्टर कलाम स्मृति पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने वनों के निकटवर्ती क्षेत्रों में जंगली जानवरों के प्रवेश को रोकने हेतु बायो फेंसिंग के प्रयोग का फैसला किया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, उत्तराखंड राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईफा अवार्ड्स 2019 में निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब हासिल हुआ? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, आलिया भट्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नया राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, रॉबर्ट ओ ब्रायन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, तेलंगाना राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने तत्पर नामक ऐप लॉन्च किया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी नॉन वायलेंस फाउंडेशन और अन्य समूह के सहयोग से किस देश में एक हफ्ते तक 150वीं गांधी जयंती मनाई जाएगी? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया की ओर से जारी की गई टॉप 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किस बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, अनुष्का शर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़े सौर पार्क की स्थापना कहां पर किया जाएगा? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के द्वारा हाल ही में भारत की वायुसेना को सौंपे जाने वाले पहले राफेल लड़ाकू विमान का नाम किसके नाम पर रखा गया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, आरकेएस भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया है, वह कितने किलोवाट का है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, 50 किलोवाट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस व्यक्ति के नाम पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार शुरू किया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अमेरिका और किस देश के बीच मालाबार सैन्य अभ्यास किया जा रहा है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। यह देश है जापान। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस महिला धावक को IAAF के वेटरन पिन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, पीटी उषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व गेंडा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी,
22 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने के साथ ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम में की कौन सी खिलाड़ी भारत की सबसे युवा महिला क्रिकेटर बन गई है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, शेफाली वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन वर्ष 2019 को विश्व समुद्री दिवस मनाया गया। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, 26 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 27 सितंबर 2019 को सर्च इंजन गूगल का कौन सा जन्मदिन मनाया गया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, 21वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, 27 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने समाज में बदलाव लाने के लिए किस पार्टी को चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, पायल जहांगीर को। ये थे आपके 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सितंबर महीने के करंट अफेयर्स के। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।